नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस वक्त भारतीयों को गोरे और काले के नाम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जोर शोर से आवाज़ उठाया था, तब जाकर देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। इसके बाद पिछड़े समाज के लोगों को भी समानता का अधिकार मिले, इसलिए भारत में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को लाया गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे भारतीय जात पात की व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचने लगे। हालांकि हम या नहीं कह सकते कि आज के लोग जात पात को नहीं मानते हैं, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी आज इन सब से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जहां इसके समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इससे प्रदेश में शांति व्यवस्था को खतरा है। इन्हीं कारणों से यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगी कि बिहार में जातिगत जनगणना संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई जाने वाली जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भी हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि याचिका में 7 बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। पहला तो यह है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मूल ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा यह कि क्या भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत आधार पर जनगणना करवाने का अधिकार देता है। तीसरा यह कि क्या 6 जून को बिहार सरकार के उप सचिव की ओर से जारी अधिसूचना जनगणना कानून 1948 के खिलाफ है। चौथा मुद्दा यह है कि क्या किसी समुचित या विशिष्ट कानून के अभाव में जाति आधारित जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति हमारा संविधान राज्य को देता है। पांचवा मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकार का जातिगत जनगणना कराने का निर्णय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक समान निर्णय है। छठा यह कि क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राजनीतिक दलों का कोई निर्णय सरकार पर बाध्यकारी है। सातवां यह कि क्या बिहार सरकार का 6 जून का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमचेन मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य की अधिसूचना और फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना है। अब देखना यह है कि 13 जनवरी को मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रबजी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।